डीएसपी का मंच था हमारे पास, आज ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई कि हम लोगों को अलग से एक मंच की जरूरत पड़ी, और ऐसे क्या कारण थे? हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, हमारा मुख्यमंत्री बने। कैसे बनेगा हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारे एमपी, हमारे एमएलए कैसे बनेंगे? इस पे विचार नहीं हो रहा है, जोर दिया जा रहा है हमारे एमपी बने, एमएलए बने, तो हम कैसे बनाएंगे? अब जब अज्ञानी जी ने मंच से कुछ बताया कि शेड्यूल में 32 जातियां 36 जातियां, मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात रखना चाहता हूं। जब हम अपने दिलों को खोल के नहीं बैठे हुए हैं, हमारे दिलों में एक भाई की दूसरे भाई के लिए जगह नहीं है। हम अगर 10 जातियों के लोग बैठे हैं तो इस कार्यक्रम में तो हम शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, लेकिन बाहर जाकर हमारी जातियां बन जाएंगी और इन जातियों में हम बिखर जाएंगे। तो क्या संगठनों के साथ साथ संगठनों से पहले इन 36 जातियों को लिए एक दूसरे को दिल खोलना पड़ेगा, इनको साथ बैठना पड़ेगा। संगठन बनाने हर आदमी, हर जाति का आदमी, एक जाति में, एक ही जाति में 100-100 संगठन बने हुए हैं। अगर हम उन सारे एक ही जाति के 100 संगठनों को बुला लेंगे तो यहाँ भीड़ हो जाएगी, पता भी नहीं चल पाएगा, ये हाथ छोटा पड़ जाएगा। कैसे, क्यों नहीं जगह बनाई हमने? जो बड़ी जिम्मेदारी अगर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक ने इस देश में 32-33 जातियों को जोड़ के एक पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई, तो क्या उनकी सक्सेसर, जो उनकी सक्सेसर थी, उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की कि उन जातियों को जोड़ के और आगे बढ़ाया जाए? ये बिखराव ही तो था कि वो पार्टी बिखर गई। दिल्ली में जो बिखराव हुआ 14.5% वोट से और हम 1.33% पे आए, क्या कारण था? मैं भी उस बहुजन संघर्ष का ही एक सिपाही हूं। बचपन से कांसीराम साहब की उंगली हमने ही पकड़ी, पहली बार वहां ले गए और उसके बाद बसपा के लिए अपनी जवानी नौछावर की, पैसा भी नौछावर किया। मैंने 33 साल बीएसपी में बिताए। आज ये सारे साथी बैठे, ये सब बहुजन से निकले हुए लोग हैं, ये बाहर से नहीं आए लोग। क्यों इनको जरूरत पड़ी ये संगठन बनाने की? अगर टाइम थोड़ा मैं टाइम दूं, इनको क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो ये युवा साथी हैं, भानु प्रताप जी हैं, हम लोग हैं, हमने कोशिश की कि पार्टी में कुछ बातें रखें, पार्टी को दिशा निर्देश दें। अगर आप अपने पड़ोसी के लिए कुछ काम करते हैं तो वो पड़ोसी आपके बारे में सोचेगा, अगर आप अपने पड़ोसी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो आपके घर में मौत भी हो जाएगी, वो देखने नहीं आएगा। ये दिल्ली में हुआ, हमारे समाज का वोट तो चाहिए, शेड्यूल कास्ट का वोट तो चाहिए, लेकिन उस शेड्यूल कास्ट के अगर दुख दर्द की बात है उसके लिए कोई आवाज उठानी है तो संघर्ष नहीं होगा। आप 5 साल तक काम नहीं करेंगे उनके लिए और लास्ट के 6 महीने में के एससी के नाम पे वोट दे दिया जाएगा। और नेताओं की सोच क्या थी? ये सोच थी कि हाथी का निशान देख के सारे लोग वोट डाल देंगे। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ एक बार कि एक बड़े नेता ने मुझे कहा कि चौहान साहब आप चिंता ना करें, हाथी का निशान देख के सारे जाटों समाज के लोग वोट डाल देंगे। और जब हमने देखा इलेक्शन को तो सारे समाज का वोट आम आदमी पार्टी पे चला गया, 2013 में आम आदमी पार्टी पे चला गया। अब हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? हमें अपना दिल खोलना पड़ेगा। अगर दिल्ली में हमारे दलित समाज में किसी जाति का प्रभाव ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, उसको दिल खोल कर उसको नेतृत्व देना पड़ेगा। वेरी गुड। हम नेतृत्व देना नहीं चाहते, हम उनके साथ भी बैठना चाहते हैं, नेतृत्व नहीं देना चाहते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम एक हो जाएंगे। कैसे एक होंगे हम? हमने कहा कि हमने ये बात रखी, बार बार रखी। मैंने गर्मी के महीने में 51 किलोमीटर साइकिल चलाई, मई के महीने में। मैंने कहा कि पार्टी का झंडा लेकर हम लोग काम करेंगे, हर बूथ पर झंडा लगाने का कार्यक्रम दिया, नहीं माना बात। कितने कार्यक्रम दिए, नहीं मानी बात, कोई बात नहीं, पैसा भी खर्च किया, नहीं बात चल पाई। इसलिए मजबूर हो गए, नई राजनीतिक पार्टी का गठन करना पड़ा, मजबूरी में, इच्छा से नहीं, दिल नहीं था। क्योंकि अगर वो लोग सही से काम करते, जो लोग संगठन चला रहे हैं, और मैं तो बाबा साहब की बात बार बार कोट करता हूं सभी के सामने, बाबा साहब ने कहा कि अच्छा संविधान भी खराब साबित हो सकता है अगर उसको चलाने वाले लोग खराब होंगे, और एक बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो क्या बहुजन समाज पार्टी 1900 जब कांशीराम साहब की डेथ हुई तो उसके बाद उस संगठन को कैसे चलाया गया? वो लोग बिखर क्यों गए जो लोग इकट्ठे थे?
कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आरएसएस का एजेंडा, हमारा एक जो बड़ी नेता है उनकी समझ में नहीं आया ये एजेंडा। उनको भी तो समझना था कि ये बिखराव जो किया जा रहा है, क्या हम अपने मिशन मूवमेंट को भूल गए? हमें अपने अपने लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं थी? इस एजेंडे को भूल के जो काम हुआ उसी की वजह से ये बिखराव हुआ। अब दिल्ली में एक कैसे होंगे? दिल्ली में एक होने के लिए एक फार्मूला हमने दिया, मंच पे जो लोग बैठे हैं हम इसका समर्थन करते हैं, किसी भी अलायंस का, क्योंकि बाबा साहब ने जब संगठित होने की बात की है तो हम किसी संगठित होने के कार्यक्रम का विरोध नहीं करते। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली में हमने बनाई, आपकी अपनी पार्टी। और जब हम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराने चले गए तो क्या हुआ, ये जो 1.5% के वोट वाले हैं इनको डर हुआ कि ये दबे कुचले समाज के गरीब लोग जब इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर विरोध शुरू कर दिया। वहां पे ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया कि इस पार्टी को रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। हमने वहां पे डिबेट करके जो भी आर्गुमेंट थे आर्गुमेंट किए और इसके ऑब्जेक्शन रिजेक्ट करा दिए। रिजेक्ट कराने के बाद, क्योंकि समाज हमें पता है हमारा समाज है, हम समझाएंगे, हम समाज को समझा के समाज के बीच में जाकर बात समझाएंगे और लोग हमारे सुनेंगे बात को, क्योंकि अपने समाज का दर्द। जब बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारे गरीब लोगों के समाज का नेतृत्व कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, हमने तो ये पीड़ा सहन की है ना, हम इस समाज का अंग हैं। तो जब हमने अपना दल बनाने की कोशिश की तो इन्होंने हमारा दल को अपने बल से मिटाने की कोशिश की। हम वहां हारने माने, इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को रजिस्टर कर दिया, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स। उसके बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने इनकी कुछ बात उठाई तो इन्होंने हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दी कि आपकी अपनी पार्टी का जो नाम है वो सिमिलर है, ये आप बनता है दिल्ली में, तो इसलिए इसको इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो डी रजिस्टर्ड कर दिया गया। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमने सबसे पहले एक बात रखी एज ए राजनीतिक, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमने एक बात रखी कि हम खुद चेहरा नहीं बनेंगे। ये जो इस देश में जुमले दिए गए ना कि 5 साल केजरीवाल, अब की बार मोदी सरकार, ये इस देश के संविधान की आत्मा पे चोट है। वेरी गुड, ये चोट की गई है कि जब आप हमारे देश का संविधान ये कहता है ज्वाइंट अकाउंटेबिलिटी, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, तो ये जुमले हमें लोकतंत्र की बजाय तानाशाही की तरफ लेके जा रहे थे। और उस तानाशाही को बार बार उस तानाशाही पे चलने के लिए बात चल रही है और हम लोगों ने बहके नारे, उन नारों में बहके वोट डाल दिया अब की बार केजरीवाल। आप ये बताइए जो 1.5% के लोग हैं, अगर हम उनसे अपना वोट छीन लेते हैं तो क्या वो सरकार चल पाएगी एक दिन के लिए? अगर हम झाड़ू के सिंबल पर वोट डाल देते हैं और कांग्रेस दिल्ली से जीरो हो जाती है तो क्या उसको हम जीरो नहीं कर सकते? हम उसको जीरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हमें 36 जातियों को मिला के दिल खोल के साथ बैठना पड़ेगा। 36 जातियों के अगर 36 संगठन यहाँ आए और एक ही जाति के संगठन आ गए तो बात बनने वाली नहीं है। पहली बात। दूसरी चीज ये कि आपको नेतृत्व देते वक्त समझना पड़ेगा। हमने दिल्ली में चैलेंज किया कि नई दिल्ली विधानसभा में 4 ऐतिहासिक घटना हुई। सबसे पहले गांधी ने अपनी बकरी वहां बांध दी, गांधी ने नई दिल्ली में ही बकरी बापू धाम के पास बकरी बांधी थी और वहां पर वो ड्राई फ्रूट खाती थी उसकी बकरी, और उसने हमें हरिजन नाम दे दिया, गांधी ने वहीं से हरिजन नाम दिया हमें। दूसरा कार्यक्रम, केजरीवाल ने पचकुया रोड के वाल्मीकि मंदिर पर टोपी पहन ली और उस पर झाड़ू का निशान लिया है तो पूरी दिल्ली को टोपी पहना दी वहां से, पूरी दिल्ली को टोपी पहनाई गई। तीसरा, जिस देश में स्वच्छता अभियान के नाम पे मोदी ने झाड़ू उठा ली वहीं पे, हमने भी एक काम किया, हमने बिल्कुल इसके उलट काम किया। वेरी गुड। कि नई दिल्ली के जो गढ़वाल भवन है उस गढ़वाल भवन में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने कहा हम भी एक घोषणा करते हैं, तुम लोगों के खिलाफ हम एक घोषणा करते हैं। हमने घोषणा क्या की कि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है और जिस समाज ने केजरीवाल को जिताया उसी समाज के बच्चे को हम मुख्यमंत्री के खिलाफ कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, उसका मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने वाल्मीकि समाज के बेटे को उसके खिलाफ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट उतार दिए। तो क्या हम गलती कर रहे हैं? हम चेहरा नहीं बनना चाहते, हम ये हमारे बड़े भाई भानु जी हैं, हम लोग सारे मिलकर हम संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमें दिल खोलना पड़ेगा। अगर ये सोचे कि मैं नेता हूं मेरा फोटो चमक जाए तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। और बाबा साहब ने संघर्ष की बात करी है, हम संघर्ष तो कर ही नहीं रहे, संगठन बना के भीड़ जुटा रहे। संघर्ष सड़कों पे होगा,
एक एक वोट के लिए संघर्ष होगा, बूथ पे संघर्ष होगा, और बूथ के संघर्ष के लिए हम क्या करेंगे? हमें इन सारी जातियों का, अगर हम यहाँ 50 जातियों के नेता बैठे हैं, तो हमें अपने अपने समाज में जाकर समझाना पड़ेगा कि हमें 2020 में अपना मुख्यमंत्री बनाना है। अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो मुख्यमंत्री के लिए दिल खोल के एक नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। अगर बहन जी को उत्तर प्रदेश में सभी लोग वोट डालकर मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो यहाँ तुम, यहाँ उनको नेतृत्व दो तुम, और यहाँ तुम बन जाओ छोटे भाई, बड़े भाई बन जाओ, अगर और कुछ नहीं है तो आपस में छोटे बड़े भाई, परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग मिलकर काम करते तब परिवार आगे चलता है। तो ये जो शेड्यूल कास्ट का परिवार है, शेड्यूल ट्राइब्स का परिवार है, इस परिवार को आगे चलाने के लिए दिल खोलने पड़ेंगे। साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ज्यादा भाषणबाजी का टाइम तो नहीं है, लेकिन एक चीज बता कि दिल्ली में हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सभी एरियों से आए हुए हैं लगभग, वो तो कहते हैं कि 13 लाख की आबादी है शेड्यूल ट्राइब्स की दिल्ली में। अगर हम इसको 4-5 लाख की आबादी मान लें तो भी वो 5 लाख वोटर वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है, उसको भी नेतृत्व दो आप लोग, उनको भी शामिल करो सिस्टम में। हम चेहरा बनने नहीं आए हैं, नेतृत्व देंगे, और हम इस समाज के इस सोच के लिए संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष के लिए हम आए हैं, आपके कार्यक्रम का हम समर्थन करते हैं। साथ साथ मैं अज्ञानी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी, इन्होंने कहा कि हम इन लोगों को यहाँ पार्टी कैंडिडेट के तौर पर उतार रहे हैं। आपको एक ही बात मैं कहना चाहूंगा आपसे छोटा हूं संघर्ष में, कि बाबा साहब ने जब कहा कि मास्टर पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाई विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लोग, तो सामाजिक संगठन अल्टीमेटली, ये आपके सामने मैं बात कर रहा हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में, कि सामाजिक संगठन लास्ट में राजनीतिक दलों के सामने हाथ फैलाते हैं, और हमें अपनी राजनीति मजबूत करनी है। अगर हमारी राजनीति मजबूत होगी तो ये इनके सामाजिक संगठन हमारे सामने हाथ फैलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सबको।